नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि उन्हें ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है। पवार का यह बयान उन खबरों के बीच आया जिसमें कहा जा रहा था कि राज्य सरकार बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा, जब ईवीएम में थे तब भी पंजाब राजस्थान में कांग्रेस सरकार चुनी गई थी। अक्सर जब वे चुनाव हारते हैं तो कई दल ईवीएम को दोष देते हैं, लेकिन जब वे जीतते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। मुझे ईवीएम पर पूरा भरोसा है। पवार ने बीते दिनों की खबरों का हवाला देते हुए कहा कि नाना पटोले अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसके पहले वह विधानसभा अध्यक्ष थे। विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता। उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो उस पर चर्चा हो सकती है। उन्होंने कहा कि पेपर लेस काम अच्छा हो सकता है। मुझे ईवीएम पे पूरा विश्वास है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में नाना पटोले ने कहा था कि उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को ईवीएम के साथ बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। पटोले ने कहा था, अगर ड्राफ्ट तैयार होता है तो विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। संभावित विधेयक के कानूनी पक्ष के बारे में पटोले ने बताया कि राज्य में चुनाव के लिए ऐसे कानून बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 328 के तहत शक्तियां मिली हुई हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों सहित इसमें संबंधित कई लोगों के साथ बैठक हो चुकी है। पटोले ने कहा था कि अनुच्छेद 328 राज्य सरकार को इस तरह का कानून बनाने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा था कि चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से, यह फैसला राज्य करेगा। उन्होंने कहा, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो लोग बैलेट पेपर में यकीन रखते हैं, वह इससे खुश होंगे।